आप में है हिम्मत राणा सुनावला आप में है जुरत तो आओ यहाँ पर हम बैठे हुए गिरफ्तार करके दिखाओ वक्त बनी काला मौजूद हूँ और मेरे साथ जानसारा ने इमरान खान मौजूद हैं आइए इनसे जानते हैं कि कई दिनों से यहाँ ये यह ये यह यह बैठे हैं यहाँ पे और ये कहते हैं कि हम खान साहब के लिए खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे आखिरी विकेट तक खड़े रहेंगे आइए इनसे जानते हैं कि इनके जज्बे कैसे हैं जी भाई आप कहाँ से और क्या कहें जी असल मेरा नाम महमाद साजिद चांडी है कराची न्यू कराची टाइगर हूँ मैं और दो सौ का रिहायशी हूँ सबसे पहले मैं आरिफ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरीके से यहाँ लीड कर रहे हैं तमाम टैगरों के एक अपने बच्चों की तरह तमाम टैगरों को ले कर चल ले। रहे हैं हम शुक्र हैं आरिफ भाई के और खान साहब के भी हमें यहाँ पर पूरी रिहाइश मिली हुई है लेकिन पूरा इंतज़ाम मिला हुआ है यहाँ उठने बैठने का हम अली अपर के भी शुक्रगुजार हैं और हम पोर्टेड हुकूमत को यह पैगाम देना चाहता हूँ ये ऊँचे हथकंडों पर जो आए हुए हैं हम खान साहब को गिरफ़्तार कर लेंगे हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे मीडिया पर बैठ गए तो आप बक बक करते हो आप में है हिम्मत राना सुनावला आप में है जरूरत तो आओ यहाँ पर हम बैठे हुए हैं गिरफ़्तार करके कर दिखाओ गिरफ़्तार करने की दूर की बात है आप वर्कर को टच करके दिखाओ आपने शबाज गुल को गिरफ़्तार किया लेकिन आप बुजदिल के साथ वार किया आपने एक पीठ पीछे वार किया आप में है हिम्मत

आग से देखा वो आगे भी निकाल देंगे चारी मैं आपको भी पैगाम देना चाहता हूँ ये आप आए तो ये दो चार सीटों से बैठे हुए इन चलो वो भी खत्म हो जाएंगी आप लोग चंद चंद रहेंगे जी जी। सोशल मीडिया पर मैंने कुछ यानी क्लिप्स देखे कि वहाँ पर मीडिया के लोगों को भी लेके यानी गए थे शबाज गिल के कमरे में तो जब फौजदारी कानून शहादत पुलिस रूल पुलिस आर्डर पुलिस एक्ट कहते हैं कहीं भी पे भी ये लिखा नहीं है कि आप लोग डिस्कवरी या रिकवरी या तफ्तीश के दौरान इस तरह के हरबे यानी इस्तेमाल करें। लेकिन इस हकूमत की बुकलाहट यानी यही है कि ये हकीकत को लोगों के सामने आपका काम है इंक्वायरी करना तफ्तीश करना बाकी इसका फैसला अदालत ने करना है लेकिन ये लोग अपनी गंदी और अपनी जाली एफ आई आर और केसिस को अलग अंदाज से यानी पेश करने के लिए गैर कानूनी तरीके से ये यानी वो कर रहे हैं जानते हैं कि आप कहाँ से हैं? आपका कहाँ से तल है और बनी गाला में यहाँ कब से बैठे हैं बसमन रहीमियानस्तिन मेरा नाम हलीम शाह है मैं एक्स प्रेजिडेंट हूँ पी यूनाइटेड अरब एम चैप्टर का और डे फर्स्ट से भी हम यहाँ पर आ रहे हैं आर भाई इस कैम्प के इंचार्ज हैं और ये सब कुछ मैनेज करते हैं और इनकी हिम्मत को भी सलाम है ये यह मुसलसल यहाँ बैठे हुए हैं हम भी ऑफ एंड ऑन वक्तन फ़ोक्ता इनके पास आते रहते हैं यहाँ पे इनके साथ जहती का इज़हार करते रहते हैं पैगाम सिर्फ इतना सा है कि पाकिस्तान तरीक़ानसाफ की जो आवाज़ है पूरी दुनिया में है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है इस वक्त 80 लाख प्लस आपका ओवरसीज़ है ये खान कसद खड़ा है आपके अठसठ फीसद आबादी नौजवान है ये खान कसद खड़ी है तो इस आवाज़ को दबाना या आ, मलाइन करना या डिमाइन करना इम्पॉसिबल इं, है इस तरह के फसदाइत के इस्त्यादी ओछे हथकंडे यहाँ पर अब मजीद नहीं चलेंगे सोशल मीडिया का दौर है फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम का दौर है और मिनटों सेकेंडों में लोग एक दूसरे की बात समझ लेते हैं और उन तक पहुंच भी जाती है हमने इन इधारों के साथ खड़े हुए निवाज शरीफ ने इन के बारे दराजी की हम ऐसे पाकिस्तानी इन के साथ खड़े थे जब कारगल की जंग लगी उस जंग में निवाज शरीफ ने इंडिया के जाकर घुटनों में बैठ गया और हमारी जो पाक फौज थी जब वापस आई फिर वहाँ पे हमारा नुकसान जब कारगल पे चढ़ते हुए इतने हमारे नौजवान शहीद नहीं हुए जबकि इस और इस घटिया जहनीत के इंसान की वजह से जब हमारे फौजी वापस आ रहे थे हमारे नौजवान वहाँ पर शहीद हुए हम इनके तलवे नहीं चाटने वाले हम इन शाह कैद इमरान खान के साथ हैं रहेंगे और रहेंगे और दूसरा बात देखें आज पूरे पाकिस्तान में सिलाब आया हुआ है क्यों आया हुआ है ये पिछले चालीस साल से इस मुल्क को दिमाग की तरह चाट रहे हैं लेकिन इनको इतनी शर्म हजार नहीं आती कि हमारे टैक्स के पैसे खाते हैं हम गरीब लोगों के पैसे खाते हैं और ये लंदन दुबई में प्लाट बनाते हैं और हमारे टैक्स के पैसों से ये हमें डैम नहीं बना कर देते ये जज्बात आपने सुने नौजवानों के बुजुर्गों के आ, ये जज्बात थे जो बनी गाला से आपके सामने पेश कर रहा हूँ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज़